एक तो गाड़ी फंसी कि नहीं अभी तो कैसे निकला वो? अरे सभी में आएगा, रोजे का काम है, पूरा स्टंट मारते हुए जा रहा है। अरे बाप रे बाप, ऑटो बता दिया। पानी भर जाएगा। मोटरसाइकिल वाले तो बहुत हिम्मत कर दिए। क्या रही है हमेशा पानी भर जाता है, हमेशा आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, हर मतलब चलने वाले बहुत तकलीफ होती है। इसमें हमेशा की ये सिस्टम है यहाँ का, कभी सुधार हुआ नहीं आज तक, न सुधार हो रहा है कभी। हमेशा ये सिस्टम रहता है कि जब भी होता है पानी भर जाता है, आए जाने हमेशा परेशानी झेलना पड़ता है सर। ये जाम करके क्यों लगा हुआ है सर? हाँ, गंगा उस पार पूरा तक जाम लगा हुआ है सर जी। दो घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक ट्रैक्टर पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो 5 मिनट चल करके आधा घंटा बंद हो रहा है, 5 मिनट चल के आधा घंटा बंद हो रहा है। अगर कंटिन्यू ट्रैक्टर पानी अब तक निकाल दिया होता ना, सारी समस्याएं यहाँ से हल हो जाती हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लेडी लेके बाइक वाले इतना परेशान हैं, न पीछे जा सक रहे हैं न तो आगे जा सक रहे हैं, किसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इतना प्रॉब्लम फंसे हैं यहाँ पे। एक ट्रैक्टर अगर खराब हो गया, अब तक 2 से 3 ट्रैक्टर आ सकता था, लेकिन एक भी कोई प्रशासन या शासन ने कोई सुविधा नहीं दिया यहाँ पे सर। जाम तो अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो कम से कम यहाँ पर अपना एक सारी मुजब्जा के आगे तक जाम हो गया होगा। हम लोग सिटी में से पूरे जाम से निकल करके एक दो घंटा में यहाँ पहुँचे हैं, आने में पानी का समस्या पड़ा हुआ है जी। ये